सो वेलकम गाइज वंस अगेन इन माई चैनल। और आज से टोकन स्टार्ट होने वाले हैं। तो टोकन्स के लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले करेक्टर सेट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं करेक्टर सेट के बारे में, कॉन्स्टेंट के बारे में और वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेक्टर सेट के बारे में। तो बात करते हैं कैरेक्टर सेट के बारे में। कैरेक्टर सेट वो होता है कि जैसे कि जो भी प्रोग्राम लिख रहे होते पता चले कि कौन सा कैरेक्टर यूज हुआ है, वो अल्फाबेट है या डिजिट्स है या वो स्पेशल कैरेक्टर है। तो प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करेंगे अल्फाबेट यूज करेंगे, डिजिट्स यूज करेंगे और स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे। इसलिए कैरेक्टर सेट को तीन टाइप्स दिया गया, अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, अल्फाबेट के एग्जांपल आप ले सकते हैं ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, डिजिट्स 0 से 9, स्पेशल कैरेक्टर में कोई भी जैसे स्टार हो गया, प्लस हो गया, सेमी कॉलन हो गया, कॉमा हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ये सारा स्पेशल कैरेक्टर एटीसी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कॉन्स्टेंट के बारे में। बात करते हैं हम कॉन्स्टेंट के बारे में। कॉन्स्टेंट तीन तरह का होता है, पहला न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा हमारा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट और तीसरा होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक का दो पार्ट्स होता है, एक होता है इंटीजर कांस्टेंट और दूसरा होता है हमारा रियल कांस्टेंट। पहले बता दूं कांस्टेंट होता है क्या है। कांस्टेंट वो वैल्यू होता है जो कि चेंज नहीं हो सके, मतलब वो फिक्स, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, ठीक है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। उसी में ये तीन कैटेगरी डिवाइड किया गया, न्यूमेरिक, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। न्यूमेरिक का दो पार्ट्स है, इंटीजर और रियल। इंटीजर में हम लोग क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। रियल वैल्यू वो होता है जैसे कि 10.5 ले सकते हैं, 20.6 ले सकते हैं, ये सब, मतलब पॉइंट वाला वैल्यू, उसको रियल वैल्यू बोलते हैं। तो वो सब न्यूमेरिक में आएगा। ठीक है, करेक्टर कॉन्स्टेंट क्या होता है, जैसे कि कोई एक करेक्टर जैसे ए लिखे, उसको सिंगल कॉट में लिखना है तो वो करेक्टर कॉन्स्टेंट में आएगा। ठीक है, जैसे ये लिखना है या वन भी लिखना है तो ये, अगर ये वन है सिंपल तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया। अगर हम यहाँ पे सिंगल कॉट लगा दिए तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, मतलब ये समझेगा कि ये कैरेक्टर दिया है, वो वन वैल्यू नहीं है, वो कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे स्पेशल कैरेक्टर के केस में भी हो सकता है, जैसे एट द रेट है, ये तो स्पेशल कैरेक्टर हो गया। अगर यहाँ पे हम सिंगल कॉट लगा दिए तो ये शो करेगा कि ये एक कैरेक्टर है। ओके, उसी तरह स्ट्रिंग में आते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, वो कलेक्शन होता है कैरेक्टर और न्यूमेरिक का। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, जैसे कि मेरा ही नाम ले लेते हैं, सौरभ। ठीक है, तो अगर इसको सिंगल कॉट में लिखेंगे तो ये गलत होगा, स्ट्रिंग हमेशा डबल कॉट में होता है। ठीक है, और स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बताते हैं। ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एस ए यू आर ए वी, एक एक कैरेक्टर लिखा जाता है। ये लास्ट कैरेक्टर, इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। ये हमारा नल कैरेक्टर होता है जो कि शो करता है कि यहां पे हमारा स्ट्रिंग खत्म होता है। ठीक है, बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। ठीक है,
वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है कि जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है कभी भी एग्जीक्यूशन टाइम में, ठीक है? जैसे कि मान लेते हैं a इक्वल 10, तो ये जो a लिखे हैं ये हमारा वेरिएबल है, और ये जो 10 लिखे हैं ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा लेकिन कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट के बारे में आपको बता दिए कि कांस्टेंट हम कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, लेकिन वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता, वो हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोडिंग, ठीक है। तो इसी तरह वेरिएबल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट से ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा पार्ट से लोकल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और ये लोकल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल जो कि एक्सेस्ड ग्लोबली, एक्सेस लोकली। यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर देते हैं, इन प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से ही बता देते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रख करके जल्दी से एक छोटा सा प्रोग्राम बना देता हूँ। तो देखते हैं, जैसे कि तो ये एक प्रोग्राम बनाया छोटा सा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद, यहाँ पे आपको एक हम बताया था कि ग्लोबल सेक्शन क्या होता है। ग्लोबल सेक्शन, यही ग्लोबल सेक्शन में हम वो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कि जिसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा सके। ये इस वेरिएबल को हम मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और मेन फंक्शन के बाहर भी, जो भी फंक्शन हम लोग बनाएंगे, जैसे कि void add को से कोई फंक्शन बनाए उसके अंदर भी हम ए वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और ये मेन फंक्शन के अंदर भी हम ए को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। जिसको हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, मेन फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, मेन फंक्शन के बाहर भी कर सकते हैं, और इसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। इसको बस हम मेन फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसको अगर हम चाहें कि यहाँ पे एक्सेस कर सके तो ये एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो बस गाइस यही छोटा सा डिफरेंस था ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बीच में। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।